रेलवे स्टेशन के साथ ही में बुद्धा पार्क है, बुद्ध पार्क, बुद्धा पार्क। टिकट लग गई है भाई, इसकी और भीतर जाने से पहले तो किसी भाई ने आराम रेस्ट वगैरह करना हो, घूमना फिरना हो थोड़ी देर। इस पार्क में आज का बहुत बड़ा पार्क से टिकट ले लें फिर देखा। तो इसके अंदर भाई म्यूजियम भी है, कुछ बुका का पुस्तकालय भी है, तो देख के आवा है के कुछ है थोड़ी देर पास। टिकट लेने लग रहा है भाई, जो लेने लग रहा है, और टिकट लेने के बाद अच्छा बहुत बड़ा पार्क से जाला है, फिर देखने के कुछ होगा, रेस्ट भी हो जाएगा, ट्रेन आओगी इतना। चलो फिर चलते हैं म्यूजियम में, चलने तो ये बामिया एंट्री कराएंगे भीतर। हैं थोड़ी देर बाद म्यूजियम की साइड है, बैग यहाँ पर जमा करवाने हैं भाई, तो ये करवा दिया बैग हमने जमा हुआ भीतर। तो हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ, पार्क बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा पार्क। ठीक है तो म्यूजियम में पहुँच जाऊँ फिर देखा है क्या होगा। तो लो भाई थोड़ा हसा लिया हमें भीतर ने आ गए। हाँ यह बुद्ध की बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति लग रही है एंट्री में, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। ठीक चलो फिर एंट्री करते हैं गेट में। चोरी से वीडियो बनाऊ मित्र कैमरा ले जाना अलाउड भी बोल रहे, वीडियो बनानी अलाउड, तो इसके कारण चोरी तो वीडियो बनाऊँ। तो ऐसे ही नज़ारा है, लेकिन बहुत बढ़िया है अंदर का नज़ारा देखा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है। ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी ऐसे। ये पार्क है भाई, पूरा पूरा बहुत बड़ा पार्क है वो, बहुत बड़ा। ठीक है और देख लो भाई, कुकर बैठे पड़े हैं सिस्टम बाजी। बहुत बड़ा पार्क है भाई, सही है। रेलवे स्टेशन के साइड में ट्रेन आए तब तक यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है इंसान का। और अंदर वाली वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अलाउड भी नहीं था, और वहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं, और बुद्ध पर एक शॉर्ट स्टोरी भी टाइम में वीडियो चलती है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद। ये देख लो भाई बहुत बड़ा पार्क है यार, मतलब देख के अच्छा लगता है। अंदर म्यूजियम है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा म्यूजियम है अंदर। ठीक है बहुत अच्छी स्पेशल प्राचीन टाइप की चीज़ें हैं बुद्ध की, मतलब अंदर जाओगे तो अच्छा फील आएगा देखने में। ठीक है तुम्हारी जितनी की टिकट है ना, मैं टिकट के पैसे वसूल हो जाएंगे जितने भी हैं, तो मज़ा होगा मेरे भाइयों। कोई भी पटना हुआ है किसी भी साइड, तो यो पार्क में ज़रूर घूम के आइयो, और म्यूजियम वगैरह किताबें वगैरह भी हैं। तो हम अंदर की वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन थोड़ी बहुत बनाई है, कैप्चर थोड़ी ऐड कर देंगे, चोरी तो बनाई हुए भी, तो बहुत अच्छा लगा पार्क में और म्यूजियम वगैरह देख के। तो हमारे तो हो गए पूरे, बाकी कुछ और माएँ तो था मैंने और वीडियो दिखा भाई। यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है ये म्यूजिक, देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है। इसी में कब आ जाओगे? हाँ इसी में सारी। इसी में से आवाज़ आ रही है मेरे भाई, देख लो ये स्पेशल म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, देख लो। ठीक तो ऐसे पार्क में हर जगह म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे आध्यात्मिक शांति फील करवाने के लिए तो ऐसा म्यूजिक बजता रहता है, बड़ा अच्छा लगा पार्क में। चलो ठीक है बाकी
हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई इसके अंदर की हमने टिकट शायद करवाई नहीं क्योंकि ऐड नहीं करवा पाए जल्दबाजी, घूम के आते हैं ठीक है, लेकिन एंट्री तो नहीं हुई बस देखेंगे, एंट्री हो गई तो अंदर क्या पता उस टिकट से एंट्री हो जाए। यह पाटलिपुत्र का करुणा स्तूप है, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है पूरा पूरा, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, नाम दिखा दूँ मैंने पूरा पूरा ये, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं घूमने फिरने का, लेकिन जो रेलवे स्टेशन पास में है ट्रेन भी हमारी बहुत लेट है तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे भाई। तो ये पाटलिपुत्र का करुणा स्तूप पूरे हो जाए थारे, आ जाओ था मैं दिखाऊँ और सीन चल रहा है तो।